अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ऋषि खान और एक मरतबा फिर आपको रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूं। मेरे साथ हैं बहुत ही अमेजिंग सी मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। आज भी व्यूअर्स जो है ना वो होंगे, एक्साइटेड होंगे कि आज हम क्या लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, पिछली जो वीडियो थी उसमें आप लोगों के कॉमेंट्स और आप लोगों की जो पसीराई थी उसका बहुत शुक्रिया। और आज भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड रियल्टर जिनका ताल्लुक रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन से ही है, वो आज हमारे मेहमान होंगे ताकि आपको और डिटेल्स बताई जाए इसी प्रोजेक्ट के हवाले से, है मारिया? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के एपिसोड में हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ साथ लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में भी कुछ डिटेल्स आप लोगों को देंगे। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने देखा था वो ज्यादा जनरल डिटेल्स थी, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स थे जो आपको नहीं पता होंगे मोशोबली कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। ये वीडियो थोड़ी सी जो है टेक्निकल डिटेल्स जो है दोनों प्रोजेक्ट्स की उसके हवाले से होगी और लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, लाहौर स्मार्ट सिटी पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरू में जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसकी आपको सीधा सीधा और जो ऐसी डिटेल्स हैं जो हम लोग शायद मिस कर गए हो क्योंकि हम लोग गपशप लगा रहे थे, तो वो आज ये हमारे आज के जो मेहमान हैं वो देंगे। और बड़ी खुशी हुई है कि आज टाइम निकाल के बिल्कुल। तो आई थिंक हमें जो है अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। वैसे ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन ऑन आरबीएस रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म, बट स्टिल मेरे साथ मौजूद हैं, इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रीजनल सेल्स हेड आरबीएस रियल एस्टेट के मिस्टर इमरान रियाज। थैंक यू सो मच मैम मारिया और मैम ऋषि फॉर कॉलिंग मी। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के डिस्कशन के हवाले से। लास्ट टाइम भी आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूल हमारा बिजी था, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से काफी डिटेल्स बताई थी, तो बिफोर वी गो अहेड विद लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से उसकी जो डेवलपमेंट है और जो आगे उसके लोग कब वहां पे जाके अपना काम शुरू कर सकेंगे या रह सकेंगे वो थोड़ा सा जरूर बताएं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का लास्ट टाइम जो आप लोगों की डिस्कशन हुई है, मैं मारिया के साथ भी आपने प्रोग्राम किया, एक तो ये हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। हम हमेशा ये चीज बताते हैं कि हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड HRL जो है ये पाकिस्तान में हाउसिंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में हाउसिंग के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें DHA है, बैरिया है, लेक सिटी लाहौर है, पावर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में पावर सेक्टर में मैक्सिमम 70% जो काम है वो सारा है ही इनका HRL का, ठीक है। तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा नाम है ये। पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले जो है CPAC के नियरेस्ट रूट्स के ऊपर कुछ स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट जो है उसके मुताबिक बात की गई और उसके लिए सबसे पहले अप्रोच किया गया HRL को, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड। उसका पहला फेज जो है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में M2 मोटरवे के ऊपर है। दूसरा फेज जो है वो काला शाह काकू इंटरचेंज लाहौर में बनाया जा रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से। ओके, जबरदस्त। तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर है स्मार्ट सिटीज के जो कॉन्सेप्ट है। पहले पूरी दुनिया में तकरीबन जब हमने ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लेके आए तकरीबन 19 स्मार्ट सिटीज ऑलरेडी ऑपरेशनल थी। 20वां जो प्रोजेक्ट था ये इस्लामाबाद और उसके बाद 21st नंबर पे जो है लाहौर में लॉन्च किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो डेवलपमेंट की है वो बहुत फास्ट है, पेस बहुत फास्ट है, डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। जितने पहले रिनाउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बहुत बेहतर, बहुत अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं राइट नाउ। वंडरफुल, जबरदस्त। तो जितने लोग हैं वो अभी अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उनको फौरन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखें अभी जिन लोगों ने हमसे तकरीबन 2 साल पहले कांटेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए और उनके जहन में किसी भी किस्म के डाउट्स थे या कोई उनके इश्यूज थे, वो आजकल हमें कांटेक्ट करते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा का वास्ते कुछ अगर रह गया तो हमें मिल जाए। लेकिन अभी कंपनीज जो है लाहौर में भी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी कुछ इस तरह की सिनेरियो है कि अभी एक तो हम लोग इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं लाहौर कैपिटल स्मार्ट सिटी में। रिसेंटली NHA ने, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था हमने, क्योंकि जब इस प्रोजेक्ट को मार्केट करना स्टार्ट किया कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो इसकी जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी वो मोटरवे M2 के ऊपर इसका इंटरचेंज था, ठीक है। अब इंटरचेंज किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का मोटरवे के ऊपर होना, एक तो इनिशियली पाकिस्तान में लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, कैसा कैसे पॉसिबल है कि किसी एक प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट को मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज मिल जाए। लोगों ने कहा नहीं जी आप ये ब्लफ मार रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये होगा नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह NHA की वेबसाइट के ऊपर ये चीज अपडेटेड है कि हम लोग मोटरवे के किस पॉइंट के ऊपर इंटरचेंज बनाने जा रहे हैं और आप NHA की वेबसाइट पे ये वेरीफाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन नियर फ्यूचर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इंटरचेंज को। उसके बाद जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है डेफिनेटली उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ऊपर जाएगी और इसके अलावा जो आने वाले प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ह्यूज किस्म के होंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है हमारी। Exactly. अच्छा हमारी अभी क्योंकि काफी सारे मुझे लगता है कि एक लोगों ने काफी
लोगों के दिमागों में ना शक को शुबार डाल दे। हाँ, just to gain attention. आप किस ऐसा होता है आपके नजरिए में ऐसा कुछ ऐसा होता है? बहुत ज्यादा होता है ना? बहुत सारे असल में अभी रिसेंटली वैसे एक और प्रोजेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी। हम लोग उसको भी मार्केट करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स रिसीव होना स्टार्ट हो गई कि उनका भी सेम ये एनएचए और एक और उनका भी इंटरचेंज बनने जा रहा है। तो कोई वीडियो किसी ने बनाई और बाद में पता और बहुत नेगेटिव टाइप वीडियो थी, बाद में पता चला कि उसका जो है, मैंने जब डायरेक्टली कंपनी से बात की या इस तरह से क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो बंदा जो है उनसे कुछ पैसे ऐसे निकलवाना चाह रहा था, कुछ बैक बैक में कुछ और उनका स्टोरी थी, ब्लैक मेलर्स भी होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। उनको पता है कि बड़ा डेवलपर है, स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, हमको इस तरह की वीडियो बना देंगे। आप खासतौर पर यूट्यूब के ऊपर, हाँ। और मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, हमारे खासतौर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी या लॉस स्मार्ट सिटी के बहुत से चैनल्स है जो प्रॉपर, बहुत से रियल्टर्स है जो प्रॉपर वीडियोस बनाते थे इनिशियली, और अब वही लोग हमें कहते हैं कि यार आप लोग बीइंग बिजनेस पार्टनर हमें साथ में अटैच कर ले, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से उनकी जो नेगेटिव मार्केटिंग थी उसको वो अप्रोच नहीं मिल सकी जो वो चाहते थे। अभी वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट्स पे जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि हमने आज जो डेवलपमेंट देखी हमारी आंखें खुल गई और ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। ये बड़ी एक, आपको जितने व्यूअर्स देख रहे हैं और आगे भी जिनके रिश्तेदारों ने अगर बाहर रहते हुए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये बड़ा एक मेन पॉइंट है कि आप लोगों की बातों में ना आए बल्कि रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस की जो नंबर्स हैं उस पर कॉन्टेक्ट करें, खुद से बात करें, बजाय इसके कोई और के थ्रू आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन मिले। सो दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये जो लाहौर स्मार्ट सिटी है इसके हवाले से आपने एक चीज पूछनी थी, उसके बाद में हाँ मैं वैसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगी आपसे मान भाई, वो दोनों प्रोजेक्ट के हवाले से है, कैपिटल लाहौर दोनों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट्स जो है हमेशा उनको, हम लोग बार बार भी ये चीज शेयर करते रहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दोबारा से आप वो चीज शेयर करें। उनको इस चीज का इशू होता है कि वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनके इंस्टॉलमेंट्स क्या हैं, क्या उनका किस तरह से हो रहा है, मतलब वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उनकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई हैं, बैलेटिंग की भी डेट्स आ रही हैं, कि वो क्या है। और उसके अलावा एक तो ये बताते हैं किस तरह फॉलो अप कर सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के साथ अपनी जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से। दूसरा जो अभी रिसेंटली जो है बुकिंग क्लोज हुई है एग्जीक्यूटिव टू की, उसके बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को, और ये भी बताएं कि जो लोग मजीद इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं वो रीसेल पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी करंटली बुकिंग का प्रोसीजर क्या चल रहा है इन कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी बोथ, और उसके अलावा ये फॉलो अप वाली, ये दो चीजें बताएं, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछूंगी। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है ना वो अब बहुत चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई है कंपैरिजन टू आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले, जिस तरह से काम होता था और जो अभी काम होता है वो बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंट है। एक तो स्मार्ट सिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्मार्ट सिटी आप नाम से जाहिर है कि हम इसमें स्मार्ट अमेनिटीज लेके आ रहे हैं, लेकिन बिफोर लिविंग ही हम आपको, आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की कैपिटल के अंदर या लाहौर के अंदर जो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी आपको ये सहूलत देती है कि आप एक ऐप इंस्टॉल करें फोन में, उस ऐप के अंदर आपकी पेमेंट के सारे रिकॉर्ड होते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं आप उस ऐप के थ्रू डेवलपमेंट का प्रोसेस देख सकते हैं, आप उस ऐप के थ्रू अपनी पेमेंट के रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर सकते हैं, उस ऐप को आप ओपन करेंगे जो नई अपडेट है वो वहां पे आपके पास फोन की स्क्रीन पे पॉपअप हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज बिफोर लिविंग आपको मिल रही हैं। अच्छा, इस ऐप का नाम अगर जितने लोग देखते हैं, स्मार्ट सिटी पीके के, स्मार्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से आप लिखेंगे उस ऐप को प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, तो वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये कि अपने एंड्रॉइड पे या आईफोन के ऊपर आप लोग जो प्ले स्टोर है उधर जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी लिखें तो वो ऐप आ जाएगी, वो ऐप आप डाउनलोड कर लें, ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। देखें, बहुत से लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमने इस प्रोजेक्ट को जो मैक्सिमम बेचा वो वाया सोशल मीडिया बेचा, बहुत कम लोग थे जिन्होंने हमें ऑफिस में आके हमसे मिले, उन्होंने वाया व्हाट्सएप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे, अपनी पेमेंट्स कंपनी के अकाउंट्स में भेजी, उन पेमेंट्स को वो आज भी वेरीफाई कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी जगह पे है, पाकिस्तान में भी कहीं पे है वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप जो पेमेंट करेंगे, आपने बैलेटिंग में नेक्स्ट पे बैलेटिंग ऐप आ सकते हैं नहीं आ सकते, वो सब कुछ उस ऐप के अंदर मौजूद है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ईमेल करता है, उनके व्हाट्सएप नंबर्स हम बुकिंग फॉर्म के ऊपर अपडेट करते हैं, उनको व्हाट्सएप करता है कि इस टाइम पे बैलेटिंग होने जा रही है, ये प्रोसेस है, इतनी पेमेंट्स आपकी जा चुकी है, इतने परसेंट आप पेमेंट कर दें तो हम आपको प्लॉट नंबर दे देंगे, ये सारी चीजें क्लाइंट्स को बताई जाती है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स तक ये चीजें ऑब्वियसली नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हर कोई, बहुत से लोग इतने एडवांस नहीं होते हैं, कुछ हमारी तरह ओल्ड स्कूल लोग भी होते हैं, तो उन तक ये चीजें नहीं पहुंचती, तो वो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उन तक ये चीजें पहुंचाए, लेकिन बाज़ वक़्त हमें कॉन्टेक्ट करके हाइपर हो जाते हैं कि इमरान भाई आपसे प्लॉट लिया था तो बैलेटिंग होने जा रही है, हमें पता ही नहीं चला,
देखें, बीइंग इमरान रियाज, बीइंग आरबीएस, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने हर क्लाइंट को राबता करें, लेकिन समटाइम्स आपको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक आदमी को या किसी दो लोगों को बाज़ुकात हम कांटेक्ट नहीं भी कर पाते। नहीं कर तो ऐसे हमारे जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, हमने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हम उनको ईमेल करते हैं, हम उनको व्हाट्सएप जो भी नई कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी की अपडेट होती है हम उनको भिजवाते हैं। बहुत से क्लाइंट्स को हमसे पहले पता होता है कि ये चीज लाहौर स्मार्ट सिटी में लॉन्च होने जा रही है, इमरान भी मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, कैपिटल में ले सकता, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत दफा हमसे पहले हम लोग उनको बता देते हैं, भेज देते हैं, उनको ये चीज पता होती है, वो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में उसको इंगेज करते हैं और हमें भी, हमारी सेल्स में भी हेल्प आउट करते हैं और हमारे क्लाइंट्स हैं बहुत ऑब्लाइज करते हैं इस मामले में, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अभी मैं हमारी पोजीशन की एग्जीक्यूटिव 2 की बुकिंग क्लोज हुई है, ओवरसीज सेंट्रल की बुकिंग चल रही थी वो क्लोज हो चुकी है राइट नाउ, तो अब अवेलेबिलिटी अभी अवेलेबल कुछ सिचुएशंस होती हैं, हम लोग अप्रूवल कंपनी से ले लेते हैं अगर कंपनी हमें, क्योंकि बीइंग द बिगेस्ट सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, लॉस स्मार्ट सिटी, कंपनी बहुत सी जगहों पे हम ऑब्लाइज करते हैं, हम ये चीज मानते हैं और उसमें कंपनी में बहुत सी जगहों के ऊपर बेनिफिट दे देती है। तो अगर अप्रूवल पे बुकिंग चल रही हो, कंपनी हमें कह देती है कि कुछ कोटा रिमेनिंग है, आप हम ऑन अप्रूवल बुकिंग प्रोसेस करवा देंगे। ओके वन, एक और चीज के अभी जितने लोग देख रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी पे हमने आज फोकस ज्यादा किया हुआ है, तो उसमें अभी अवेलेबिलिटी ऑफ शॉप्स एंड प्लॉट्स और बाकी जो उसमें चीजें अवेलेबल हैं, तो अवेलेबिलिटी कितने परसेंट है ताकि लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें आज? ठीक है, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर राइट नाउ हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, कोई भी इन्वेंट्री फिल वर्क फॉर सेल अवेलेबल नहीं है फ्रेश बुकिंग में। ओके, रीसेल में लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो पुरानी बुकिंग है वो रीसेल में बाय कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों ने बाय किया उनको भी बेनिफिट हो, आप उनसे लेना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप भी उसको बाय कर लें। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ हबीब रफीक पावर लिमिटेड, जिसका बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर बहुत जबरदस्त लोगों ने बेनिफिट्स अर्न किए। आज भी वहां पे 8 मरला कमर्शियल मोर देन 5 मिलियन प्रॉफिट के ऊपर है, 4 मरला कमर्शियल अच्छे प्रॉफिट 3 मिलियन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत अच्छे हैं। हमारे ऑफिसेज के बाहर लाहौर में लोग जो है वो बोरियों में पैसे लेके बैठे हुए हैं कि सर हमें बुकिंग दे दे, लेकिन अभी उनको बुकिंग नहीं दे सकते राइट। क्या वजह है इसकी? हाइप बहुत ज्यादा है प्रोजेक्ट की, लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अर्न किया। देखिए, जिसने आज से 4 महीने पहले, सिर्फ आपको ये प्रैक्टिकल एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जिसने 4 महीने पहले मेरे से प्लॉट बाय किया था 11 लाख रुपए का, ठीक है, उसने वो प्लॉट जो है 25 लाख का, 30 लाख का 4 महीने के अंदर बेचा है। ओ, अच्छा, तो रीसेल ऐसे में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर आपने 4 में, कोई एक सर्टेन टाइम नहीं है कि इस टाइम के अंदर तक के बाद आप बेचें, आप 4 महीने के बाद आप बेचें, आप साल के बाद बेच दें, आपकी बाइंग पावर ज्यादा है, आपकी होल्डिंग पावर ज्यादा है, आप साल के बाद बेचें। देखिए, जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे, हमेशा एक बात करते हैं रियल स्टेट में, जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स आप अर्न करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ये होता था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया है, कंपनी जो है वो लाहौर चली गई है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई बेनिफिट आएगा या नहीं आएगा, सारा कुछ लाहौर वाले कमा गए हैं। तो ऐसा भी देखिए, अभी जितना भी बिजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, उनकी जैसी ये NHA का जो इंटरचेंज वाली न्यूज है वो जैसी मार्केट के एग्जैक्टली, तो वो एक हाइप क्रिएट होगी और यहाँ पे भी लोग अब अच्छा अर्न कर रहे हैं। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, उन्होंने होल्ड किया है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बेचा नहीं है और आज वो बेनिफिट्स अर्न कर रहे हैं। और ये कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी इमरजेंसी के थ्रू तो उसमें भी उनको देखिए 11 लाख पे, देखिए एग्जांपल है 11 पे 25 का प्रॉफिट। बिल्कुल ऐसी हम देखिए बीइंग और रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन, हमारी कोशिश होती है कि हम मार्केट के अंदर जितने ऑथेंटिक और अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं उसको सेल करें। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको किसी किस्म का लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही जल्दी में है जिसने आज मुझसे फाइल बाय, ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं समटाइम्स जो हमसे फाइल बाय करते हैं, फाइल बाय करने के 2 दिन बाद कहते हैं इमरान भी इसको बिकवा नहीं देते, तब उनको हम क्या उस पे बेनिफिट लेंगे उसमें। हाँ, उसमें जरा फिर मुश्किल। अच्छा, मेरा भी आपसे एक और क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली लाहौर स्मार्ट सिटी ने आई थिंक 1 मंथ अगो उन्होंने पोजीशन अनाउंस किया, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हमारे व्यूअर्स जो नहीं जानते हैं उनको बताएं कि पोजीशन कब तक मिल रहा है और क्या उसकी डिटेल्स हैं, कुछ सवाल से, ताकि उनको। लाहौर स्मार्ट सिटी की कंपनी जो अनाउंसमेंट की है वो मार्च के अंदर एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें मार्च में जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, ठीक है, वो अगर 100% पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो ये मेक श्योर करते हैं कंपनी को कि हम विद इन 90 डेज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, सिर्फ उनको पोजेशन दी जाएगी। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी गुड। एग्जैक्टली, देखिए उसका भी एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर लाइफ मूव हो, जितने ज्यादा लोग आएंगे आबाद होंगे उतनी ज्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट होगी, एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, मॉल्स बनेंगे, शॉप्स आएंगी, अपार्टमेंट्स आएंगे,
नई इन्वेंट्रीज आएगी, नई कटिंग्स आएंगी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमसे ये कमिटमेंट करते हैं कि हम यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ज्यादा हाईली डिजायर्ड लोकेशन है लाहौर स्मार्ट सिटी, जहाँ पे लोकेटेड है काला शाह काकू इंटरचेंज मोटरवे से आप उतरते हैं जैसे DHS की साइड पे, तो वहां पे बिल्कुल कॉर्नर के पे लोकेटेड है ये अमेजिंग शहर के धुएं और एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी के कुछ फीचर्स होते हैं, उनमें से एक फीचर ये भी है कि आपकी लोकेशन ऐसी हो। और इसके अलावा भी आज से दो दिन पहले ही तीन से चार दिन पहले एक लेटर NHA की तरफ से और भी इशू किया गया, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो है रिक्वेस्ट की है उनको जो ईस्टर्न रिंग रोड बाईपास है उसके ऊपर हमें इंटरचेंज बनाने के लिए लाहौर में जो है इजाजत दी जाए, तो वो भी अभी इंशाल्लाह पाइपलाइन में, उसकी बहुत जल्दी इंशाल्लाह अच्छी न्यूज मिलेगी। दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस एंड आई थिंक गुड न्यूज फॉर सब जितने लोग देख रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मेरे ख्याल में गोल्ड तो सेकंड आता है, रियल स्टेट जो है प्रॉपर्टी हमेशा पहला नंबर। अब पाकिस्तान में पिछले 5 से 6 साल के अंदर जितना लोगों ने रियल स्टेट के अंदर अर्न किया है जी, ठीक है, वो उन्होंने किसी भी जगह पे अर्न नहीं किया। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, उसका एक रीजन शायद कोरोना भी था, जो बाहर हमारे ओवरसीज पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा डर गए थे। हम बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग बड़े चिल किस्म के लोग हैं, हमने इतना ज्यादा बॉदर भी नहीं किया कोरोना को, हम लोग यहाँ पे आजादी से घूमते रहे। जो बाहर पाकिस्तानी से, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि वो हमें कॉन्टेक्ट करते थे, वो कहते थे इमरान भाई 6-6 महीने हो गए हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, हमें निकाले यहाँ से, हमें कोई प्लॉट बाय कर दे पाकिस्तान में ताकि हम लोग आए तो कंस्ट्रक्शन करें, हमने नहीं रहना यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरसीज ने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया और बहुत अच्छी बाइंग उन्होंने की। इमरान भाई, ओवरसीज से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, अभी रिसेंटली ओवरसीज सेंट्रल की जो है बैलेटिंग हो रही है, राइट? अब ओवरसीज सेंट्रल के बाद कौन सा ब्लॉक है जिसकी बैलेटिंग की बारी है? देखिए, कुछ चीजें होती है जो हम लोग इस सिचुएशन में नहीं होते कि आपको पहले बताएं, लेकिन इंशाल्लाह टॉप सीक्रेट है, बहुत अच्छी न्यूज जो है वो आने वाले टाइम पे ओवरसीज की। डेफिनेटली और भी ब्लॉक्स आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके अलावा हमारे हाई राइज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आएंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी में पिंक रिबन हॉस्पिटल और बाकी वो सब कुछ तो आपको पता चला, तो गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो एग्जैक्टली वहाँ पे आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी अभी वहाँ पे ऑपरेशनल होना स्टार्ट हो गई है। एक मेरा क्वेश्चन, ये जो हाई राइज बनेगी इसमें एक ऑब्वियसली हम जिस बेल्ट पे रह रहे हैं वहां पे अर्थक्वेक जोन है, जी, जी, जी। तो इसमें वो जो अर्थक्वेक की एक रिक्वायरमेंट होती है जो समथिंग अर्थक्वेक प्रूफ तो नहीं 100% होता, बट फिर भी उसमें इतनी गुंजाइश होती है कि लोग इवैक्यूएट कर सके। देखिए, अभी जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में खास अभी CDA के जो बायलॉज है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेंटोरस जैसा जो स्काई स्कैपर है वो आपका बिल्कुल ब्लू एरिया में आपने देखा होगा, वो बना मिडिल में, ठीक है, मिडिल में बेसिकली। जो जहां तक मेरी नॉलेज है, आई डोंट नो कि उसको किस तरीके से वहां पे जो है मतलब इतने ज्यादा हाई राइज को वहां पे बनाने के लिए अलाउ किया गया, लेकिन जो इनिशियली हम लोग जब बड़े हो रहे थे हमें ये पता था कि ये जो एरिया ये शायद वो जगह है जहाँ पे आप हाई राइज नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है, वो क्योंकि मागला हिल्स के दरमियान में बिल्कुल उस जगह के बिल्कुल सामने वो थोड़ा सा एरिया, उसके बारे में हमें पता है, लेकिन उससे आप आगे आ जाए तो उसके बाद तो आप वहां पे हाई राइज बना सकते हैं क्योंकि एक सर्टेन बेल्ट होती एक सर्टेन बेल्ट होती है। इसके अलावा अब वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, अब जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितने भी हाई राइज बन रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज करें कि उसमें एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड तक तो मेरे ख्याल में आप वो जो एग्जैक्टली वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई प्रूफ है, बिल्कुल ऐसे अर्थ को एक प्रूफ है, हाँ, उससे इतना कि इवैक्यूएशन हो। आप देखें जापान दुनिया के मेरे ख्याल में एडवांस ट्रेन कंट्रीज में से एक है, लेकिन वहां पे और वहां पे सबसे ज्यादा जल्जले भी आते हैं, सबसे ज्यादा एडवांस जापान में आता है, लेकिन टोक्यो पूरा आपका हाई राइज से भरा हुआ है। आज बड़ा अच्छा आपने जो है एक कहते हैं ना आई ओपनिंग, तो ये मुझे बताएं कि इसके अलावा अभी ये तो दो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई ऐसी सरप्राइज न्यूज अगर आप व्यूअर से शेयर करना चाहें स्मार्ट सिटी के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह हम इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे डिफरेंट सिटीज में। पार्ट टू बनेगा जिस तरह होता है ना, जिस तरह एक्स वाई जेड एक फेज बना कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो बेसिकली कैपिटल जो है वो इट्स ऑलरेडी मोर देन 150 कनाल्स, ठीक है, 150,000 एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये तो हमारे पास कॉम्पैक्ट लैंड है, इसको डिफरेंट फेजेस में हम नहीं लेके जाएंगे। जो लाहौर का प्रोजेक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट फेजेस के अंदर हो, ठीक है, एग्जैक्टली वो जाएगा, क्योंकि लाहौर में इतना बड़ा कॉम्पैक्ट पीस आप किसी एक जगह पे बाय नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये ऑब्वियस है। हम अपने क्लाइंट्स को मैं पहले ही बता देता हूँ
कि लाहौर का जो प्रोजेक्ट है जिसमें डीएच डिफरेंट फेजेस के अंदर वो भी हो एग्जैक्टली तो ये पॉसिबल है कि लाहौर का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर हो, कैपिटल डिफरेंट फेजेस में नहीं होगा, कैपिटल यही है जो आपके सामने है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको एक्सपेंड करें इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमारे डिफरेंट सिटीज के अंदर जो स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट है इसको हम लेके जाएंगे एचआरएल, और एक दो शहरों के अंदर हमने जमीन भी बाय की हुई है, उसको मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पहले हम लोग कैपिटल और लाहौर के अंदर अच्छा डिलीवर करें उसके बाद आगे की तरफ। ओके वंडरफुल। और ये कि आपके पास टाइम भी कम होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने दो दफा घड़ी देखी। नहीं बस अभी एक मीटिंग में मैंने जाना है एक्चुअली, अभी हम लोग राइट नो डीएचए में है तो मैंने फिर अभी जाना है, वो ट्रैवलिंग टाइम भी है। हां ये भी है। सो एनीथिंग एल्स यू लाइक टू आस्क और नहीं आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेस एपिसोड। हम लोग एक और शूट करेंगे इमरान भाई के साथ, आपको एक और दफा हमने ना डेफिनेटली मैम उस दिन फिर आपको थोड़ा सा और तकलीफ देंगे। एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इमरान रियाज साहब, हमारे साथ थे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपको डिटेल में मिली, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मारिया। इट वॉज वंडरफुल। Yeah, it was great. We learned a lot. है ना? Yeah. मैं भी अब रियल्टर पार्ट टू फेज में पहुंच गई हूँ। So anything आप अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? Well, I would just like to say कि I hope कि आप लोगों ने इस एपिसोड से कुछ नॉलेज गेन किया होगा। हमारी मेन प्रायोरिटी यही है इस प्रोग्राम के थ्रू कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आप लोग नॉलेज हासिल कर सकें प्रोजेक्ट्स के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से, वो आप लोगों को मिली हो। एंड दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से फॉर नाउ। थैंक यू वंस अगेन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एग्जैक्टली। नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें और हमें कमेंट्स में भी बताएं कि आप लोग किस तरह के आप लोग जो है कंटेंट को देखना चाहते हैं, क्या सवाल आते हैं आप लोगों के। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पढ़ते हैं कमेंट्स और उसके जवाब भी देते हैं। सो वंस अगेन आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मैं और मारिया खान दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।